सबसे पहले तो मैं ईद की मुबारक देना चाहूँगा अपने सभी मुस्लिम भाइयों को, जिन्होंने इन विकट परिस्थितियों के होते हुए इतनी सहनशीलता अपने धर्म से सीखी है। और मैं चाहूँगा कि जो सहनशीलता भारतीय मुसलमानों में है, वही सहनशीलता उनका धर्म सारे विश्व में उनको सिखाए और उनको ये शक्ति दे कि वो सहनशील बने रहें। दूसरा, आज परशुराम जयंती के अवसर पर मैं सभी परशुराम को मानने वाले भक्तों को मुबारकबाद देना चाहूँगा और ये चाहूँगा कि वो अपने आचरण से सभी जगह भाईचारे का एक मधुर संदेश पहुँचाएँ। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, जिस तरह से माहौल देश के अंदर हो चुका है धर्म को लेके, लोगों के अंदर आपसी तनाव जो आजकल देखने को मिल रहे हैं लगातार, तो ऐसे में अमन शांति की बात करना क्या मतलब, क्या मैसेज इससे रहेगा, क्या दोबारा से वो प्लेटफॉर्म जो है देश के अंदर आ सकता है? इसमें ऐसा है जी, कुछ जैसे ये हाथ, मैं तो इनको हाथ से ही कहूँगा, जिस प्रकार की घटनाएं घटी हैं रामनवमी पर और हनुमान जयंती के ऊपर, हिंदू जो वास्तविक हिंदू है वो व्यक्ति कभी भी इस प्रकार की घिनौनी हरकतें नहीं कर सकता। मैं तो कहूँगा कि जिन्होंने रामनवमी के नाम पर गलत तरीके से जुलूस निकाले, दूसरे धर्मावलंबियों को गालियाँ दी, वो जो है नहीं हिंदू धर्म का एक अपमान है। और ऐसा लगने लगा है कि हम अपने आप को हिंदू कहते हुए भी हीन भावना महसूस करने लगे सारे विश्व के अंदर। जो दिल्ली में हुआ जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती पर, उसकी कारण जनी भारत की सारे विश्व के अंदर थू हुई है और हमें एक शर्मिंदा होना पड़ा है, सिर झुकाना पड़ा है विश्व के सामने कि हाँ हमारे से गलतियाँ हो रही हैं। लेकिन ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज हमारी सरकार जो इस चीज़ को नहीं समझ पा रही है कि इंसानियत क्या है और हिंदू धर्म इंसानियत को किस स्तर पर कितनी ऊंचाइयों तक ले करके जाता है। वैसे तो हम विश्वगुरु अपने आप को बार बार कहते हैं, मगर विश्वगुरु के अनुकूल आचरण नहीं कर रहे, और ये आचरण जो है नहीं बड़े स्तर पर होना चाहिए, क्योंकि हम उनका अनुकरण करते हैं। जो सरकारें हैं उसके अंदर बैठे सबसे बड़े पदों के जो व्यक्ति हैं, लेकिन उन लोगों का आचरण हिंदू धर्म की जो मान्यताएं हैं, जो सोच है, जो वसुधैव कुटुंबकम की भावना है, वो कहीं भी परिलक्षित नहीं हो रही है। अखंड भारत की लोग बात करते हैं भी, हम देश को अखंड भारत बनाने की तैयारी में है, सोच में है, हर बंदा जाता है, लेकिन जिस तरह से देश के अंदर माहौल चला हुआ है, जातियों में बंटवारा, धर्मों के अंदर बंटवारा, आपसी तनाव, क्या लगता है कितने परसेंट आपको लगता है कि इससे क्या हम भारत देश को अखंड भारत का जो निर्माण हम चाह रहे हैं, हर देशवासी चाहता है, क्या ऐसे कर सकते हैं? इसमें मेरी सोच ये है, ज़्यादा से ज़्यादा 10-15% व्यक्ति ही ऐसे हैं जो इस प्रकार की बेहुदी बातें करते हैं, अखंड कह करके उसको खंड खंड करने का प्रयास करते हैं। उनके दिल की भावना कुछ है, होठों पर कुछ है, करते उनके कर्म में कुछ अलग अलग चीज़ें हैं। जब आदमी के अंदर और बाहर उसके कर्म जब आपस में तालमेल नहीं खाते, तब जो है नहीं देश के टुकड़े होते हैं। और इसका जीता जागता प्रमाण हमारे सामने भारत और पाकिस्तान है। यदि हमारी भावनाएं हिंदू धर्म के बिल्कुल सही अनुकूल होती और मुस्लिमों की भावनाएं, धारणाएं या सोच मुस्लिम इस्लाम धर्म के अनुकूल होती, तो भारत के कभी भी टुकड़े नहीं होते। आज सबसे ज़्यादा मुस्लिमों से भी ज़्यादा हिंदुओं के ऊपर ये लांछन लग रहा है कि ये अखंड अखंड करते हुए इस देश को खंड खंड करने की तैयारी में लगे हुए हैं। मेरी ये सोच है और मैं ये मानता हूँ कि कुछ बुद्धिजीवी जो लोग इसके लिए प्रयास कर रहे हैं इस विघटन को रोकने का, उनके ऊपर जुल्म ज्यादतियाँ हो रही हैं, दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। आज जो है नहीं
अल्पसंख्यक समुदाय को तो सताया ही जा रहा है, लेकिन बड़े बड़े जघन्य जो कांड हो रहे हैं भारत के अंदर, जैसे हाथरस का मैं उदाहरण देना चाहूँगा, ये विश्व स्तर पर एक इतना बड़ा घिनौना कांड हुआ है जिसकी जितनी निंदा की जाए इतनी कम है। और जिन लोगों ने इसको समर्थन दिया है, इसको सहारा बने हैं, इसको करने वालों को साथ खड़े रहे हैं, मैं तो कहता हूँ कि ऐसे लोगों में तो इंसानियत नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। उनको इंसानियत इंसान कहना भी अपनी जुबान को गंदा करने के समान है। मानने के लिए तो और पहचान के तौर पे जो हाथरस कांड हुआ था वो एक हिंदू समाज से थी, लेकिन एक भी हिंदू संगठन ने उनका समर्थन नहीं किया। जो बड़े बड़े संगठन देश के अंदर, चाहे बजरंग दल हो, चाहे आरएसएस हो, करणी सेना, किसी ने भी जो है समर्थन उसको नहीं किया। इसका जो कारण है, मेरी नज़र में जो कारण है, हमारा जो समाज है 85% समाज आज से नहीं, कई हजार सालों से सुप्रेस होता रहा, दबा हुआ समाज है। उस दलित बेटी के साथ में जो कांड हुआ, उसके साथ में कोई भी व्यक्ति खड़ा नहीं हुआ हिंदू समाज का। वोट लेने के समय तो ये हम सबको हिंदू कहते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अत्याचार आज भी दलित समाज पर हो रहे हैं। और मैं तो ये कहता हूँ, मुझे आचार्य रजनीश की एक बात याद आती है, वो ये कहते हैं कि हमारा देश उस दिन बहुत विश्व गुरु बन जाएगा जिस दिन हमारा दलित समाज अपने आप को हिंदू कहना छोड़ देगा और मंदिरों में जाना बंद कर देगा। अब मंदिरों की बात के साथ में मुझे एक बात याद आई कि अभी जो किसान आंदोलन चला दिल्ली के अंदर, 13 महीने तक लगभग वो किसान आंदोलन चला, उसके अंदर 750 के करीब किसानों ने अपने बलिदान दिए। और उस आंदोलन के दौरान ये पता चला कि कौन सा धर्म इंसानियत से भरपूर है और कौन सा धर्म विधर्मियों से भरपूर है। ये कहने को तो अपने आप को ये कहते हैं कि हम तो धर्म के रखवाले हैं, धार्मिक हैं, मगर लेकिन हिंदू धर्म से, हिंदू धर्म का को हिंदू धर्म से कोई सहायता नहीं मिली, ना कहीं लंगर लगा, ना कहीं पानी पीने का इंजाम किया, ना कहीं दवाइयों का इंजाम हुआ, जबकि वहां पर कोरोना भी उन्होंने सहन किया। इतनी विकट परिस्थितियों में किसान वहां बैठे रहे, जबकि एक उदाहरण पेश किया है सिख धर्म के अनुयायियों ने, सारे विश्व के अंदर इस चीज का उनका नाम हुआ है कि सभी वाह वाह करते, थकते नहीं आज की तारीख में सिख धर्म के प्रति अपना कृतज्ञता प्रकट करते हैं बुद्धिमान जीवी। मुस्लिमों ने अलग से अपने भंडारे लगाए, उन्होंने भी सहायता करी, लेकिन हिंदू धर्म के ठेकेदारों ने मंदिरों बना बना करके, उनके अंदर चढ़ावे चढ़वा चढ़वा करके, धन इकट्ठा करके, उनको तिजोरियों के अंदर बंद कर देना लोक के अंदर, इसके सिवाय कुछ नहीं किया है इन्होंने आज तक। अभी 2 दिन पहले पंजाब के अंदर हिंदू और सिखों की जो लड़ाई आपने भी देखी है, तो क्या लगता है वो एक राजनीति स्टंट है या फिर आपसी भाईचारे की? पंजाब के अंदर भी वो लहर चल चुकी है जो एक फेमस था हमारे पूरे विश्व के अंदर, पंजाब भाईचारा और एक भाईचारे को लोगों की सहायता करने का जो काम करता है। पंजाब में जो पटियाला के अंदर हुआ है उससे तो बिल्कुल क्लियर ये बात है कि एक राजनीतिक स्टंट है ये, अपने वोटों को बनाए रखने के लिए, अपना वोट बैंक इंटैक्ट रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए कार्रवाई की जा रही है। इसके अंदर शिवसेना का नाम आया है, शिवसेना अपने आप को बीजेपी से बड़ा हिंदूवादी संगठन अपने आप को साबित करने पर लगी हुई है, उन्हीं के इशारे पर ये हो रहा है। और केवल उनके इशारे पर नहीं मानता मैं तो, मानता बीजेपी का भी इसके अंदर इशारा है कि आप पंजाब की जो फिजा, इसको खराब करें, इसको मतलब दूषित करें, एक बॉर्डर स्टेट होने के लिए होने के कारण बहुत सेंसिटिव स्टेट है पंजाब, और उसके अंदर इस प्रकार के लोग जो ये कृत्य कर रहे हैं, खास करके जो शिवसेना वाले कह रहे थे हम ये निकालेंगे, वो जो ने गाँव को बार बार कुरेद करके इस देश को बर्बाद करने की ओर ले जा रहे हैं, ये बहुत बड़ी गलत चीज़ है। और इनको जो कहते हैं निप द ईवल इन द बड, यानी बुराई को उगते ही होना चाहिए, तो इतनी सख्त सजा देनी चाहिए, जो अपने आप को हिंदू धर्म के ठेकेदार कह रहे हैं उनको बड़े से बड़ी सजा दें, ताकि वो हिम्मत ना करें कि ये हमारे गाँव को बार बार कुरे दें, इस देश के टुकड़े टुकड़े करने के लिए वो जो प्रयास कर रहे हैं उनको सफल ना होने दें। और वो तभी रुक सकते हैं जब हमारी सरकारें, खास करके केंद्र सरकार, इस तरफ ध्यान दे। और ये बड़े अफसोस की बात है, केंद्र सरकार ही
इन कामों को करने देने के लिए फ्री छोड़ रही है लोगों को। मॉब लिंचिंग का काम वो करवा रही है, ये दूसरे धर्म वालों को गालियां देने का काम करवा रही है, उनके मस्जिदों के आगे जा करके डांस करते हैं और भद्दे भद्दे इशारे करते हैं, बहन बेटियों को, मुस्लिम बहन बेटियों को गालियां देते हैं। तो क्या ये हिंदू धर्म का, चाहे बीजेपी का हो, चाहे बजरंग दल का हो, चाहे शिवसेना का हो, क्या ये हिंदू धर्म के अनुकूल आचरण है? इसको कोई भी व्यक्ति हिंदू धर्म का आचरण नहीं कह सकता। ये हिंदू धर्म के सबसे बड़े दुश्मन हैं ये लोग जी। तो फाइनली हम एक बार और आपसे जानना चाहेंगे, क्या आज मैसेज रहेगा उन लोगों को जो आपसी भाईचारे को बिगाड़ने का काम करते हैं? जो आपसी भाईचारे को बिगाड़ना चाहते हैं उन लोगों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, और जो प्रजातंत्र में, संविधान में और इंसानियत में, वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास रखते हैं उन लोगों को इकट्ठे होकर आगे आना चाहिए। जो ये वातावरण प्रदूषित करने की कोशिश कर रहे हैं, वातावरण को खराब करने, उनकी संख्या ज़्यादा नहीं है। सारे भारत के अंदर, जहाँ जिस देश के अंदर 130-135 करोड़ जनसंख्या रहती है, वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा ज़्यादा 10-15 करोड़ आदमी ऐसे हैं जो इस देश के अंदर ये इस प्रकार के घिनौने, धर्म के नाम पर घिनौने काम कर रहे हैं, और इनको समर्थन जो है नी हाइएस्ट जो सत्ता में बैठे हुए व्यक्ति हैं उनके स्तर से मिल रहा है, इसलिए उनके हौसले दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं, उल्टे उल्टे काम करते जा रहे हैं। और उन इन लोगों को ये फर्क नहीं पड़ता कि कौन जीतता है कौन मरता है, इनको तो अपने स्वार्थ की रोटियां सेकने से मतलब है, इनको धर्म से कोई मतलब नहीं, हमारे देश से कोई मतलब नहीं, इंसानियत से कोई मतलब नहीं। ऐसे लोग, ये अपने इनके स्वार्थ पूर्ति हो जाए उसी के अंदर ये खुश रहते हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद एडवोकेट राजकुमार जी, और आगे भी जो है हम मिलते रहेंगे और बात करते रहेंगे। सामाजिक एक्टिविस्ट भी है और इसके एक्सपीरियंस भी इनको है। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आपने इस प्रकार की बातें कहने का जन 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 तक कई, क्योंकि साधन ही ऐसे हैं, मीडिया है, एक के बजाय हजारों लोगों के पास पहुँचता है, तो आपने इन विचारों को पहुंचाने का जो कार्य करें इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और आप का नाम जसवंत है, जो जस की, जस का मतलब ही अच्छा कार्य को फैलाने वाला होता है। आप अच्छे कार्य को आगे फैलाते रहेंगे और दबे कुचले समाज की आवाज़ बनकर आप उभरेंगे, ऐसी मैं कामना करता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।